हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, बहुत टाइम बाद ये व्लॉग आ रहा है। एंड दोस्तों, जैसे सुबह सुबह मैं उठता हूँ ना, तो यार बाहर मुझे कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई दे रहा है। आपको मुझे पता है यार दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं हॉल में जाता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। तो हॉल में चलते यार। एंड यहाँ पे मम्मी कपड़े धो रही है, तो चलो देखते हैं हॉल में क्या हो रहा है। हॉल में सबसे पहले यहाँ पे टीवी चालू हुआ है। एंड यहाँ पे जो मेरी बहन जो गाँव से आई हुई है, वो यहाँ पे बैठ के फ़ोन चला रही है। एंड भाई सामने ही है जो यहाँ पे बारिश का इन्जॉयमेंट कर रहा है। दोस्तों यार, गर्मी के सीजन में बारिश आ जाए तो मजा ही आ जाता है। एंड मस्त वाला वाइब आ रहा है यहाँ पे। हे प्रभु, हे हरिराम, हे जगन्नाथम, ये क्या हुआ? बारिश हुआ सीजन में, बारिश हुआ। दोस्तों चलो यार, थोड़ा तो अभी ठंडक मिलेगा। तो दोस्तों यार, बारिश का एंजॉयमेंट करने के लिए मैं तो अभी जा रहा हूँ टेरेस पे विद माय छोटा सा क्यूट क्यूट बाबू। बाबू टेरेस पे चले, चलो जल्दी जल्दी चलते। तो दोस्तों यार, ऊपर आते ही थोड़ी बारिश तो स्लो हो चुकी है, पर फिर भी यार हल्की हल्की बारिश आ रही है, तो बारिश में चलते हैं। तो दोस्तों यार, सुबह सुबह बारिश आ गया, अब इससे अच्छा क्या दिन जाने वाला है। यहाँ पे ना जो बैकग्राउंड का नजारा देखो आप, पूरे बादल दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे धुआं भी है। ये देखो, ये मैं बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा आगे चलता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। क्या देखो बाबू? वो हाँ, वो धुआं है, बादल नहीं हो। तो दोस्तों वहाँ पे आप ध्यान दोगे ना, अभी देखो यार, ये मेरा आईफोन तो ज्यादा जूम होता है नहीं, तो देखो पूरा यहाँ से पहाड़ दिख रहा है, ऊपर काले बादल। एंड यहाँ पे अपना जो धुआं है, कोई आग जलाया हुआ है, तो मैं इसको जूम करता हूँ। लिटरली यार, क्या व्यू आ रहा है, ऐसा लग रहा है गांव में हम लोग। फिर दोस्तों यार, बारिश यहाँ पे रुक चुकी है एंड हम लोग जा रहे हैं ड्राइविंग क्लास के लिए। यहाँ पे मेरी गाड़ी हो चुकी है खड़ी एंड सामने आपको एक कार दिख रही होगी जिसके अंदर हम लोग ड्राइविंग करते हैं। अब यार ड्राइविंग स्कूल का नाम आपको दिख गया होगा, वो भी है राहुल मोटर्स करके, एंड भाई का नाम भी राहुल है। तो यार, जो पीछे एक थोड़े टाइम के लिए आपको भैया दिखे होंगे, वही हम लोग को सिखाने वाले कार। तो यार अभी हमारी बारी आ चुकी है, तो चलो यार चलते हैं कार के पास। तो यार मैं सबसे पहले ड्राइविंग करने वाला था, तो फटाफट मैं जा रहा था आगे एंड भाई था पीछे पीछे। तो अब भी हम लोग आ चुके हैं कार के अंदर यार, एंड यहाँ पे भाई वीडियो शूट कर रहे हैं एंड मैं चेंज वगैरह करके आ चुका था। तो यहाँ पे अभी मेरे को ये बता रहे हैं कि कैसे ड्राइविंग करना है एंड कैसे नहीं करना है। कि सबसे पहले देखो, यहाँ पे आगे आपको कार दिख रहा होगा, तो मुझे यहाँ पे रिवर्स करना था। तो अभी आगे का प्रोसीजर आप कार में ही सुनिए। जैसे पीछे धीरे धीरे गया, वैसे अभी आ गया पीछे। जब तक ये पोर्शन तेरा ये उस उद्योग से पूरा बाहर नहीं निकलता है, तब तक कुछ करना मत। इधर जाना मत, इसको भी सेफ रखना, अभी घुमाएगा और घुमाएगा, आया फिर से सीधा ऐसे बस सीधा लगा, राइट जाना है, राइट का सिग्नल दिया, फिर थोड़ा सा वापस से ब्रेक कर दिया, सीधा रखा, तो यहाँ पे मेरा ड्राइविंग क्लास हो चुका था कंप्लीट। तो मैं आके यहाँ पे पीछे बैठ चुका हूँ एंड भाई भी सामने बैठा हुआ है, बट यार भाई की बारी अभी तक आई नहीं, क्योंकि यार यहाँ पे अभी एक और का नंबर था, तो वो अभी ड्राइविंग यहाँ पे चल रहा था। एंड फिर यार जो राहुल भैया है जो हमको ड्राइविंग सिखाते हैं, वो भी बोल रहे थे यार कि फटाफट आप अच्छे तरीके से चला रहे हो, थोड़ा और इम्प्रूव करोगे तो आप और भी ज़्यादा बेटर हो जाओगे। तो अभी फाइनली बारी आ चुकी है आपके राहुल सर की, मीन्स यार राहुल भाई की यहाँ पे बारी आ चुकी है एंड उनको थोड़ा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। एंड दोस्तों अभी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर बंद करता हूँ, क्योंकि अभी आप खुद देखोगे कि राहुल सर कैसे ड्राइविंग करते हैं एंड उनको क्या क्या यहाँ पे जो हमारे ड्राइविंग के सर है वो बताते हैं। रोड में लेने का, जब तेरे को लगे पिकअप आ गया, आधा क्लच हो गया, फिर राइट में लेना, थोड़ा सा और थोड़ा सा घुमा बस, ऐसे कोई पीछे कोई आ रहा है आधा बेरी का, तो भी धीरे 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 जाना ही पड़ेगा, तब वो लोग उधर 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 रहेंगे, फिर से सीधा सीधा कर, सीधा कर, सीधा कर, हाँ हो गया, इधर इधर फिर से सीधा कर, हो गया, बंद करो, हाँ अपने बंद हो जाएगा, उसको छोड़ दे स्पीड कर। तो आज का हमारा ड्राइविंग क्लास हो चुका था कंप्लीट एंड अभी जा रहे घर की, और भाई यहाँ पे कैमरा पकड़े खड़ा था एंड मैं कर रहा था ड्राइविंग। तो चलो यार फटाफट चलते हैं घर पे। तो फिर दोस्तों जस्ट अभी हम लोग आ चुके हैं ड्राइविंग क्लास से घर पे एंड सामने ही देखो यहाँ पे एक बाबू आया हमारा, जो है हमारा भांजा। तो बाबू ट्राई करते हो, क्या कर रहा है? गाड़ी चला रहा है। कौन सा गाड़ी है? तो दोस्तों जा रहा हूँ नीचे भाई के साथ, भाई पीछे पीछे अभी आएगा, आपको दिख जाएगा, दिख जा दिख जा दिख जा, नहीं दिखाया, मैं आगे जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ नीचे कुछ नाश्ता पानी के लिए, तो देखते हैं यार क्या मिलता है नीचे एंड लेके आते हैं। एंड दोस्तों अभी लाइट गया हुआ है, तो हमको सीढ़ियों से जाना पड़ रहा है, फोर्थ फ्लोर, मतलब यार कम से कम 40-50 सीढ़ी नीचे जाना पड़ेगा अपने को। चलो फटाफट चलते हैं, थक गया यार, लिफ्ट के वजह से आदत हो गया है, एकदम स्टेमिना कम हो गया है। एंड ये हमारी बाइक जो हो चुकी है बहुत ज़्यादा गंदी यार, इसको वॉशिंग कराना था, देखता हूँ आजकल मैं वॉशिंग कराता हूँ।
फिर अभी हम लोग आ चुके हैं बीकानेर में, क्योंकि यार घर पे आने वाले थे मेहमान, तो उनके लिए कुछ नाश्ता पानी हमको लेना था। तो यहाँ पे भाई सोच रहा है यार कि क्या लूँ, क्योंकि इतने सारे वैरायटीज थे ना, तो यार हम लोग हो चुके थे कंफ्यूज। तो फाइनली अभी हम लोग ने सोचा कि चलो यार समोसा भजिया एंड जलेबी लेते। तो यहाँ पे हम लोग अंदर जा रहे हैं बिल बनवाने के लिए, तो यहाँ पे भाई को हम लोग दे देते हैं ऑर्डर, एंड यहाँ पे अभी हम लोग पेमेंट करेंगे एंड उसके बाद चलेंगे बाहर। एंड यार बाहर अभी हमारा जो भी सामान है वो पैक होगा। यार देख के तो मन कर रहा था कि अभी खा जाऊँ, एंड यहाँ पे अभी हम लोग को जाना था घर पे, क्योंकि यार मेहमान बहुत जल्दी आने वाले थे। तो भाई यहाँ पे पैकिंग करा लिया एंड बाइक निकाल के मैं आ चुका हूँ घर पे, एंड मेहमान भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो उनको यार नाश्ता पानी कराने के बाद हम लोग चलते हैं ऑफिस। तो गाइस फाइनली ऑफिस में बहुत दिनों के बाद मैं आया हुआ, एंड पीछे दीदी एंड रोहन भी है और बाबू भी आया हुआ है ऑफिस देखने के लिए, क्योंकि ये लोग ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल के बाद विजिट किए हैं हमारे इधर पे। तो अभी ऑफिस में आया हूँ, ज़्यादा काम मुझे तो करना नहीं है, जस्ट एक राउंड अप के लिए आया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, शेड्यूल पूरा पैक हो चुका है, बिजी हो चुका है, एंड वापस एक घंटे के बाद निकलना है। तो देखते हैं क्या होता है, आप लोग बने रहना व्लॉग में और ढेर सारा प्यार देते रहना। तो चलो बाबू सिक्स का टेबल सुनाओ। चलो अरे वाह देव, सिक्स का टेबल आता है तुमको, कौन सिखाया तुमको सिक्स का टेबल? मम्मी ने सिखाया। अच्छा जी। तो दोस्तों यार अभी जस्ट राहुल सर और जो मेरी बड़ी वाली बहन है एंड बापू वो जा रहे हैं घर पे, क्योंकि यार उनका काम हो चुका है ख़त्म। एंड यार मुझे यहाँ पे ऑफिस का काम निपटाना है, एंड साथ ही साथ यार मुझे जो कॉलेज से थोड़ा प्रोजेक्ट वगैरह भी मिला है तो मुझे वो भी निपटाना है। एक्चुअली यार अब इसको हम लोग अरेंज नहीं किया अच्छे तरीके से, एंड यहाँ पे मैं बैठ के ना मेरा प्रोजेक्ट कर रहा था, बट यार बीच में मुझे यहाँ पे यूट्यूब वीडियो भी अपलोड करना था, डेट्स व्हाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ डैशबोर्ड पे। एंड देखो यार यहाँ पे बैठ के मैं मेरा प्रोजेक्ट कर रहा था, तो चलो यार फटाफट पहले वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद जो प्रोजेक्ट का काम है वो कंप्लीट करता हूँ। एंड दोस्तों यार लिटरली आज हालत खराब हो गई, क्योंकि यार सुबह सुबह घर पे आ चुके थे मेहमान जैसे कि आपने ब्लॉग में देख ही लिया। एंड यार उसके बाद मैं ऑफिस आज घर के कपड़े में ही आ गया हूँ, एंड प्रोजेक्ट करना है एंड बहुत सारी काम कर। फिर दोस्तों जस्ट नाउ यार अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, एंड जैसे ही घर पे पहुंचा ना यार तभी मुझे भाई बोलता है कि यार एक काम से और बाहर जाना पड़ेगा। तो वो काम ये है कि एक्चुअली यार हम लोगों ने कुछ कपड़े लिए थे जो भाई को बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो उसके लिए यार अभी हम लोग वापस जा रहे हैं वो दुकान पे, वहां पे जाके यार टेलर को बोलेंगे भाई इसको सही करके दे। तो आगे चलता हूं मैं, तो यार आगे चलता हूँ फटाफट। भाई तो वहाँ पे हो चुका है रेडी, एंड यहाँ पे मेरी मम्मी एंड मेरी बहन बैठ के कुछ श्रृंगार का सामान रेडी कर रहे, तो चलो निकलते। तो दोस्तों यार मैं रेडी हो चुका हूँ, एंड भाई पीछे यहाँ पे अपना स्कूटी निकाल रहा है, एंड यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है, मीन्स यार हो चुका है अभी, होने वाला है या हो चुका है, अंधेरा होने वाला है। तो चलो यार गाड़ी आ चुकी है, निकलते हैं। फिर दोस्तों यार जस्ट नाउ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, एंड बहन यहाँ पे कुछ तो कर रही है। एंड दोस्तों यार हम लोग को बहुत ज्यादा हो रहा है गर्मी, तो मैं तो जा रहा हूँ यार एसी चालू करने के लिए। तो यार दोस्तों अभी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ मैं, एंड अभी डिनर वगैरह भी हमारा हो चुका है, तो चलो यार इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं। एंड आई होप यार ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा हेक्टिक था, क्योंकि आज का दिन ना बहुत ज्यादा खतरनाक था, बहुत सारे काम करने थे, तो सब कुछ कम्प्लीट हो गया। अब मिलते हैं यार सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।